पता नहीं। तो ये जो केबल है, मैं तो केबल से अच्छा उम्मीद किया था, लेकिन केबल तो वही दे दिया, मतलब लोकल केबल ही दे दिया। मतलब जो पैकिंग में जो केबल आया था ना पहले डुप्लीकेट, वही डुप्लीकेट केबल ही दिया। मतलब पता नहीं कितने दिन तक टिकेगा, तो भाई उम्मीद मत रखियो कि अच्छा ही आए। हाय फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं मेरा फिर से प्रोडक्ट आ गया है केजी भाई का। ये मनीष का अनबॉक्सिंग करेंगे तो अच्छी बात है, मजा आएगा। वेडिंग फोटोग्राफर हूँ, मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर दिख रहा है इसका, अपना कैमरामैन है गाइस, बहुत अच्छा कैमरा शूटिंग करता है। जितना अपना शूटिंग किया था ना यही करता था, अब नहीं करता सारा। कैमरा है सब, मतलब पैसा कमा रहा हूँ तो क्या बोलूं। अच्छा हम लोग नहीं देते ना, इसीलिए तो हमारे घायल है करके नहीं जाए। तो हाँ भाई, ये आईफोन का मेरा मिल गया तो चार केबल, तो इसको हम अनबॉक्सिंग करेंगे, देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, और अभी हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं चार्जर, आईफोन 12 मिनी का चार्जर मुझे फिर से मिला है, और ये है इसे मैंने ऑर्डर किया, मैंने कंप्लेंट किया है तो ये आया है, रिसीव किया है, मतलब जो भी है यार मुझे नहीं पता जो भी है मतलब। तो ये और इसका प्राइस देख सकते हैं दोस्तों, इसमें लिखा है 600 का प्राइस लिखा है, आपको दिखाता हूँ, चलो ओपनिंग करते हैं इसका। इसकी पैकिंग भी ज़बरदस्त की है दोस्तों, गजब का है, मानना पड़ेगा। इसमें क्या लिखा है आप देख सकते हैं, फ्रेगल फ्रेगल पता नहीं क्या है, 600 दिख रहा है, 600। तो ये 600 का प्रोडक्ट बन के आया है, अब ऊपर देखते हैं सही में 600 का ही है, ये तो कुदरत ही जाने। तो मैं इतने शानदार पैकिंग को मैं फाड़ रहा हूँ, कितने बेरहमी से देख सकते हैं। ओ भाई है क्या है भाई, कितना खोलूंगा इसको, प्रोडक्ट के पन्ने के अंदर पन्ना, पन्ना के अंदर फिर पन्ना। अरे यार ये तो एक ही में लगता है, कैसा है ये, ओ ये ऐसा था क्या, ओ अरे भाई बड़ा अजीब है खोलने का तरीका भी। तो देख सकते हैं इसको कितने ज़बरदस्त पैक किया है इसको, तो कहीं गिरेगा भी तो कुछ नहीं होगा ऐसे ऐसे। तो इसमें लगा है प्लास्टिक जिससे हम खेल सकते हैं, बस यही काम के लिए तो इससे मिलता है फ्री में सबको। तो प्रोडक्ट को दिखाओ, प्रोडक्ट को दिखाओ, खोले नहीं। अरे भाई मेरे को तो पूरा चार्जर भी दे दिए, मैंने केबल ही बोला था, मतलब केबल का ही इशू दिया था, तो उन्होंने मुझे चार्जर भी दे दिया, लेकिन चार्जर तो उससे और ज़्यादा डुप्लीकेट लग रहा है, क्योंकि पहले का जो था ना उसमें 20 वाट भी लिखा था, और इसमें तो 20 वाट भी नहीं दिखा है, ना कहीं एप्पल का लोगो नहीं, तो ये फर्स्ट कॉपी है नहीं, ठीक है ये डुप्लीकेट है। और जो पहले का भी दिखा रहा हूँ, जो पहले का भी दिखा ये भी वही है, तो पहले से थोड़ा ख़राब लग रहा है, मतलब पहला वाला थोड़ा बड़ा था, नहीं सेम है लेकिन दिखा हुई था, दिखा जो मोबाइल के साथ मेरे पास आया था, ठीक है वैसे ही था, मोबाइल के साथ जो आया था मेरे साथ ये वाला था, तो ये थोड़ा ओरिजिनल लग रहा है मुझे, पता नहीं जो भी ओरिजिनल होगा, पता नहीं कौन सा ओरिजिनल होगा। ये पहले ये आया था इसमें 20 वाट लिखा है, और ये अभी आया है जो नया, मतलब इसमें 20 वाट नहीं लिखा है, लेकिन इसका पूरा डिटेल सब सेम ही है ना, इसमें टेक्सो क्या क्या लिखा है वो जो भी ब्रांड है, इसमें 11x22 इसमें 10x22 जो भी है पता नहीं। तो ये जो केबल है, मैं तो केबल से अच्छा उम्मीद किया था, लेकिन केबल तो वही दे दिया, मतलब लोकल केबल ही दे दिया। मतलब जो पैकिंग में जो केबल आया था ना पहले डुप्लीकेट, वही डुप्लीकेट केबल ही दिया है, मतलब पता नहीं कितने दिन तक टिकेगा। तो भाई उम्मीद मत रखियो कि अच्छा ही आए, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि ना जो पहले जैसे आया था ना चार्जर, मतलब चार्जर मिल गया बहुत बड़ी बात है, यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ये डुप्लीकेट चार्जर दिया गया है, तो इसके डिटेल्स में भी देख सकते हैं, इसमें 20 वॉट कुछ लिखा है क्या। सो गाइस, अगर किसी तरह से कुछ ऑर्डर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अपने कस्टमर का बहुत अच्छा ख्याल रखती है, मतलब अगर कुछ ख़राब हो गया तो वो देगी, भले ही डुप्लीकेट देगी लेकिन देगी, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ओरिजिनल ओरिजिनल चार्जर ही लेना है तो आपको किसी शॉप में जाकर ले लेना चाहिए, या फिर किसी ऑनलाइन अमेजोन तो है या ऑनलाइन मंगा लो, और किसी फाइल तो डुप्लीकेट ही देगा, लेकिन मोबाइल ओरिजिनल देगा, और फर्स्ट कॉपी भी हो सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये डुप्लीकेट ही है, लेकिन चार्जर दे दिया गया। अब इसको टेस्ट करते हैं दोस्तों, अभी मैंने इसको चार्ज किया तो ये जो फास्ट है ना पहले वाला जो जितना फास्ट कर रहा था, हाँ पहले वाला भी थोड़ा स्लो कर रहा था, वो वाला नॉर्मल केबल में तो वो कर रहा था एक
दो मिनट में मुश्किल से 1-1.5% कर रहा था चार्जिंग, मतलब वो ले दे के एक घंटे में, आधा घंटा में जो 60% होता था ना, तो आधा घंटे में 40-35% होता था चार्जिंग। और अभी अभी जो मैं नया केबल लिया था, खुद से परचेस किया था नया केबल, इसमें मेरा आधा घंटा में पूरा 60% कम्प्लीटली होता है, मतलब एक मिनट में 2%, मतलब ये 20 वाट का चार्जर सपोर्ट करता है असली, मतलब ये जो केबल 20 वाट का सपोर्ट करता है। लेकिन अभी जो फिर कंपनी ने फिर से मुझे दिया, वही वाला पुराना केबल ही दे दिया, मतलब वही जो ही लोकल है, तो 2 मिनट में मेरा अभी 1% बढ़ा है। अभी मैं टेस्ट किया हूँ तो 2 मिनट में 1% बढ़ा है, मतलब ये 10 वाट का ही क्या बोलते हैं चार्जिंग सपोर्ट करेगा लग रहा है इसका केबल। बाकी चार्जर 20 वाट का है तो ठीक ही है, मैं मान लेता हूँ बहुत अच्छा है चार्जर, तो ठीक दिया है। केबल का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसमें फिर ख़राब हो सकता है, मुझे डाउट लग रहा है। तो गाइस पहली बात, अगर आप एक चीज़ किया था, अगर आप अपने आईफोन को पानी में अगर डालते हो तो पहले उसके जो चार्जिंग वाला जो पॉइंट है उसको थोड़ा सूखा लेना, उसके बाद चार्जिंग लगाना, नहीं तो चार्जर तो ख़राब नहीं होगा, मोबाइल भी ख़राब नहीं होगा, आपका केबल ख़राब हो जाएगा। वही हुआ था मेरे साथ, 2 दिन में ऐसे ही ख़राब हुआ था। तो दोस्तों मतलब ये ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छी बात, उन्होंने मुझे चार्जर दे दिया और साथ में वही वर्ल्ड वाला केबल जो ख़राब लगता है। मिलते हैं तब तक ऐसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, और इसका रिव्यू भी जल्दी मैं डालूंगा अपना वीडियो का, अपना मोबाइल का रिव्यू, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताऊंगा दोस्तों, और कुछ बहुत सारी कमियां होगी, सब चीज़ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो पे, टाटा बाय बाय। हे गाइस, मैं एक चीज़ भूल गया था बताने के लिए, जो कि है टेडीफाई का डिक्लेरेशन। दिखाते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। केजीफाई साइनिंग जो भी है कचरा कुटा, मतलब एकदम नॉर्मल सा एकदम प्रिंट है, एकदम फीका प्रिंट, तो जो कि मुझे फ्री में दिया गया है इनके द्वारा, केजीफाई के द्वारा फ्री में दिया गया है। लेकिन ये रिपेयर वाला माल है, जो मेरा चार्जर वार्जर आया है ना, ये चार्जर आया है, ये थोड़ा रिपेयर वाला, समझ नहीं आ रहा भाई, दिख तो नया ही रहा है। जो भी है जैसा भी है, अब काम चलाएंगे अपने पास तो नया ले लिया, क्या करेंगे। तो मोबाइल अच्छा है, लेकिन इसका जो भी आ रहा है वो सब रिपेयर वाला सिस्टम है, तो डोंट वरी, अच्छा ही है। तो रखते हैं इतना में, ये देख सकते हैं मेरे चार्जर का, अभी अभी क्या 2 दिन हुआ है ये आया, फिर 2 दिन में फिर यही हाल हो गया, अभी इसका ये निकल गया पूरा। क्या यार, केजीफाई का मोबाइल सब ठीक है, लेकिन उसका चार्जर केबल है ना वो बेकार है, अभी भी पार्ट लग गए, फिर से लोकल ही दे देते हैं, हटा यार क्या करेंगे अब।